पेंगोंग झील की दक्षिणी हिस्से में स्थित काला टोप चोटी पर चीन कब्जा करना चाहता था, क्योंकि ये रणनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। ये पहाड़ी भारतीय सीमा में है। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात चीनी सैनिकों ने इस पर कब्जे की साजिश रची, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ दिया बल्कि ये पूरी चोटी अपने कब्जे में ले ली। ये पेंगोंग झील के करीब ठाकुंग इलाके में स्थित है। अब रणनीतिक तौर पर भारतीय फौज यहाँ फायदे में है। सूत्रों के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की आधी रात को भारत चीन की सेना जो आमने सामने आई, उसमें सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है ब्लैक टॉप। चीन की पीएलए चुशुल सेक्टर में ब्लैक टॉप पर कब्जा करना चाहती थी, जिससे भारतीय पोस्ट पर निगरानी रखी जा सके। करीब 500 पीएलए जवान इस मकसद में जुटे थे, लेकिन जैसे ही सेना को ये भनक लगी, बड़ी संख्या में आसपास के पोस्ट से जवानों को जुटाया गया और चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। ब्लैक पोस्ट एलएसी पर भारत के नियंत्रण वाले इलाके में आता है। अब ब्लैक पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जा है। इसके चलते पेंगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर अब भारत रणनीतिक तौर पर फायदे में है। चुशुल के रिगांज ला और रिगिन ला में सेना ने अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं, जिससे चीन कोई दुस्साहस ना करे। भारत ने चुशुल के स्पांगुर पास में T-90 टैंक के रेजिमेंट की तैनाती की है, जिससे चीन के किसी भी नापाक मंसूबे को विफल किया जा सके। देखा जाए तो अब तक चीन के साथ पेंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे पर दिक्कतें थी, लेकिन अब पीएलए ने पेंगोंग सो में दक्षिणी छोर में ये हरकत की है। ये घटना पीएलए की मंशा पर बड़े सवाल खड़ा करती है। 5 दौर की लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत अब तक हो चुकी है, बावजूद इसके चीन कई इलाकों से पीछे नहीं हटना चाहता और जो सीधे सीधे तनाव को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट।